उन्होंने कहा कहीं मारपीट हुई है क्या? आप अपने आप बैठे एजेंडा बनाइए, उसमें नहीं है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसने मारपीट का एजेंडा कहां से आया? आपके यहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाए, आप लोगों के नहीं हुआ ये सब? बिल्कुल आप बेकार की बात कर रही हैं। वो पढ़िए, पीठ जैसी कोई बात नहीं हुई है। और व्यवहार इंडिसेंसी नहीं हुई है। आप लोग अपने झूठे नैरेटिव मत चलाएं। हां समझ नहीं दूंगी आप जैसा झूठा आदमी, मैं तो मैं क्यों नहीं सफाई दूंगी। और मणिपुर अभी कीजिए, गूगल कीजिए आप, मेरी बात कीजिए। हिम्मत है तो अपना बाइक लेकर के मोदी जी के सामने खड़े हो जाकर के, और प्रज्वल रवन्ना मणिपुर कठुआ के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया विभाग ने? बताइए मोदी जी, आप जिम्मेदार हैं, है ना? ये करूं बाइक लेकर जाकर थोड़ा 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 इस बार वो इस बार प्रधानमंत्री। जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में रूबिका लियाकत ने रवि श्रीवास्तव को आज डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से लपेटा है। क्योंकि रवि श्रीवास्तव अपने आप को कहने के लिए तो राजनीतिक विशेषज्ञ है, लेकिन मैं हर बार कहता रहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बंदे का दिल हमेशा धड़कता रहता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में इस बार वैभव ने जो कांड किया है उसको ये भाई साहब डिबेट में क्लीन चीट देने पर उतर गए हैं। इसी पर रूबिका लियाकत ने आज इसको डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से लपेटा है। वीडियो आज की ये बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाले, तो आप प्लीज ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रवि जी, आज किस मुंह से आप ये कहेंगे कि मणिपुर जाओ? रेसलर्स के मुद्दे पर पीएम कहां थे? आपके मुख्यमंत्री ने तो माइक खिसका दिया सवाल पूछे जाने पर। उनकी अपनी सांसद स्वाति मालेवाल, उनके अपने सीएम आवास पर, उनके अपने प्राइवेट सेक्रेटरी ने उनकी पिटाई की, इतना गंभीर आरोप है। और माइक दाएं कभी बाएं कुछ ना निकला मुंह से। देखिए, पहली बात तो ये कि जो घटना हुई है वो निंदनीय है, और संजय सिंह जी ने ये बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात ये कि आप दुर्व्यवहार और इनडिसेंसी को मारपीट बताने की गलती मत करिए, क्योंकि कोई मारपीट जैसी बात हुई नहीं है। अच्छा, असॉल्ट हुआ नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो स्वयं थाने में गई थी और वहाँ पर किसी प्रकार का उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, उन्होंने करवाया नहीं, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं फाइल की। दिल्ली की पुलिस अभी उनके घर पर मेरे ख्याल में 2-3 घंटे से बैठी हुई है कुछ बयान लेने के लिए, पर मुझे लगता नहीं है कोई किसी तरह का बयान उन्होंने दिया है। दूसरी बात यह है कि जो संजय सिंह ने कहा है, आपको ये भी नहीं लगता है? पहली बात पे रुकूंगी मैं, लेकिन लेकिन आपको ये लगता नहीं कि उनके साथ मारपीट हुई है? आपने पहले से क्लीन चिट दे दी, क्या मतलब? कोई तो धर्म ईमान होगा ना रवि जी, कोई तो नैतिकता होगी ना? नहीं, धर्म ईमान आप बताइए ना, कहा मारपीट हुई है? उन्होंने कहा कहीं मारपीट हुई है क्या? आप अपने आप बैठे एजेंडा बनाइए, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसने मारपीट का एजेंडा बनाया है मणिपुर पे, जब आप बोल रहे थे तब आपके हर सवाल को सरकार से पूछा जा रहा था। हाँ कि नहीं? 2 PCR कॉल किए हैं, आप लोगों में जरा शर्म नहीं है? मणिपुर पर इतनी बड़ी घटना हो जाए, मणिपुर पर नहीं हुआ ये सब? बिल्कुल आप बेकार की बात कर रही हैं। वो पढ़िए, आपको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर इधर उधर की चीजें हो जाए तो आपकी सारी नैतिकता जाग जाती है। पढ़िए आप डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है। क्यों नहीं है तो कह रहे औरत में गड़बड़ी है, और बाकी सारी जगह पर आप लोग छाती पीटने लगते हैं। आप 2-2 PCR कॉल क्यों गए? देखिए, क्यों गए 2-2 PCR कॉल? अच्छा, मैं और आप अभी इस वक्त हमारे बीच में मतभेद हो रहे हैं, आप और मैं झगड़ रहे हैं, तो क्या मैं PCR कॉल कर दूंगी? मैं PCR कॉल कर दूंगी? नहीं, मैं नहीं झगड़ रहा। मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, PCR कहाँ हो? सही बात है, मारपीट जैसी कोई बात नहीं हुई है। दुर्व्यवहार, इंडिसेंसी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। दुर्व्यवहार हुआ है, बात करिए। और वो दुर्व्यवहार तो सब जगह होता रहता, कौन बड़ी बात है? वही संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्व्यवहार हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और उसके बाद उसी विभाग के साथ आप लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, वो गाड़ी में इंतजार कर रहा है। अनुराग भदौरिया जी, और आप कहाँ गया आपका हाथरस, कहाँ गया आपका मणिपुर? जब आपके अध्यक्ष जी ये कह दे कि नहीं नहीं रुके रुके, इससे बड़े मुद्दे हमारे पास है, तो अब आपके पास कोई जवाब रह गया है? सफाई रह गई देने की? आप देखिए, मुझे लगता है आप चीखेंगी नहीं, आज आप बहुत चीख रही हैं। अच्छा लगता है अगर इस तरह की चीख आपकी निकलती, कि जब जिस तरह का आपने देखा गायत्री प्रजापति के बारे में लोग क्या क्या कहते थे और उनकी पत्नी को लेके वोट मांग रहे हैं,
उस तरह की चीख आपकी निकलती, इस तरह की चीख मणिपुर में जिस तरह से एक सैनिक की पत्नी के साथ अन्याय हुआ, जिस तरह से महिलाओं का साथ अन्याय हुआ, वो चीख इस तरह की आपकी निकलती जब मेहमान पहलवानों के साथ अन्याय हुआ था, ये चीख इस तरह की आपकी निकलती जब हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, कठुआ की बेटी, झूठ बोल रहे हैं आप, आपकी चीख निकलती, नहीं चीख निकली, नहीं चीख निकली, महिलाओं के साथ, महिला रेसलर्स के टाइम पर मैं वहां चीख नहीं निकली, मैं वहां जंतर मंतर पर मौजूद थी, आप झूठे आदमी हैं, महिलाओं के बीच में मौजूद थी मैं, चीख निकलना लग गया, व्हाट अ लायर यू आर, जंतर मंतर पर मैं गई थी, मुझे नहीं पता आपके कदम वहां पहुंचे थे या नहीं, सुनिए सुनिए, मैं पहुंची थी हाथरस में, हाथरस में रूबिका लियाकत मौजूद थी, ग्राउंड जीरो पर सरकार से सवाल करती हुई, हां सफाई देना पड़ रहा है, आप समझ लो कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे बोलने दीजिए, हां सफाई क्यों नहीं दूंगी, आप जैसा झूठा आदमी बैठेगा तो मैं क्यों नहीं सफाई दूंगी, सुनिए बिल्कुल, जो चीख आप अभी गूगल कीजिए, चीख रूबिका लियाकत जंतर मंतर गूगल कीजिए, और चिल्लाना रूबिका लियाकत हाथरस, आप अभी कीजिए, तो शायद उनके साथ अन्याय नहीं हो पाता, अभी कीजिए गूगल कीजिए, आप मेरी बात कीजिए, चीख चीख गूगल कीजिए, वरना अपने शब्द वापस लीजिए, मैंने हर औरत का मुद्दा उठा रहे हैं, बदलना चीख के साथ, अगर आपने हिसाब मांगा होता बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से चीख चीख के हिसाब मांगा होता तो शायद न्याय बहुत पहले मिल जाता, अब चिल्ला रहे हैं आप, चीखना मैं चीखना बोले क्यों चले जा रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं ना, इतनी तीव्रता से अगर चीख हुई होती तो क्या बात, मणिपुर पर सवाल मैंने पूछे हैं, हाथरस पर सवाल मैंने पूछे हैं, सवाल और चीख में फर्क होता है, रेसलर्स पर जवाब मैंने पूछे हैं, अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं तो कह रहे हैं उस पर चीखें नहीं निकलेगी, इस पर चीखें नहीं निकलेगी, आप उस शख्स को लेकर क्यों घूमेंगे, क्यों घूमेंगे, आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस चीज से बचना चाहिए था, स्वाति मालीवाल अंडर ग्राउंड हो गई है और ये शख्स खुले में घूम रहा है, देखिए पहली बात तो यह है कि स्वाति मालीवाल जी कोई सामान्य महिला नहीं है, वो DCW की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सक्षम महिला हैं और वो निश्चय अपना निर्णय लेंगी इसके बारे में, क्योंकि पार्टी जो है ये आम आदमी पार्टी का अब अंदरूनी मामला है, क्योंकि इस मामले के अंदर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं है, कोई बाहर की कोई शिकायत नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है, अब ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो इसको अपने आप सेटल करेंगे और इसके लिए मीडिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर को हिम्मत है तो अपना माइक लेकर के मोदी जी के सामने खड़े हो जा करके और प्रज्वल रवन्ना मणिपुर कठुआ हाथरस अरविंद केजरीवाल के घर में के बारे में सवाल मालीवाल के साथ रूबिका लियाकत माइक लेकर चली जाए मोदी जी, बताइए अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के यहाँ स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया विभाग ने, बताइए मोदी जी आप जिम्मेदार हैं है ना, ये करूँ माइक लेकर जाता है, अरे ये कहिए ना कि जाइए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछिए, अंदरूनी मामला तो खड़े थे खुद ही ना, तो फिर टहनी का मामला भी बीजेपी का अंदरूनी मामला है, प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे हाथ रख के खड़े थे ना, अंदरूनी मामला है और किससे पूछेंगे, है ना सब सब अंदरूनी मामला है, प्रज्वल रेवन्ना के जी बाबा अंदरूनी मामला है और किससे पूछेंगे आप ही बताइए, और माइक हाथ में ले जाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो अरविंद केजरीवाल का अंदरूनी मामला है, आप जिम्मेदार हैं, अरे आप ही थोड़ा सा अभी थोड़ा इस बार वो खुदा के वास्ते इस बार प्रधानमंत्री अनंत विजय जी लाइए भाई माइक दीजिए, माइक लेकर अरविंद केजरीवाल ने और उनके पीए ने जो बदसलूकी की उसका जवाब लेने में पीएम मोदी के पास जाओ, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।